मेरा नाम अर्जुन है, मैं मुंबई से हूँ और मैं जॉब करता हूँ एक्सेंचर कंपनी में। मोहम्मद उमर खान, मैं भिवंडी रहता हूँ और मैं डाई डाई कंपनी में जॉब करता हूँ, कपड़ा वगैरह कर रहा हूँ। हेलो, मेरा नाम विकास है। मैं थाने थाने में रहता हूँ और मैं जॉब करता हूँ टाटा मोटर्स इंश्योरेंस ब्रोकिंग में एज अ अभी CSR कंप्लेंट डिपार्टमेंट। YouTube पे जरिए स्नैपमिंट के बारे में मुझे पता ऐसे चला कि मैं एक दिन दिमाग में ऐसी चीज़ आई थी कि कोई तो साइट हो गया ऐसी कि जिसमें इंटरेस्ट कम हो और हम इजीली बाय करें कुछ भी। तो उसी चीज़ के लिए मैंने सारी साइट मैंने ढूंढनी चालू की, तो उसमें मुझे मिला था साइट स्नैपमिंट। तो मैंने उसमें रजिस्ट्रेशन किया। पहले मुझे डाउट्स था कि ये फ्रॉड भी हो सकता है, तो फिर मैंने चेक किया, फिर उसका जो पार्टनरशिप था बैंक से, कौन सा बैंक था, AU बैंक है। सबसे पहले तो यही बात है कि सब कुछ बहुत इजीली हो गया था और सब कुछ बहुत फास्ट हो गया था तब। तो इंडिया में बेसिकली जो भी चीज़ इजी होती है और फास्ट होती है उससे पहले तो भरोसा नहीं करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि अभी एग्जॉस्ट फैन इधर अवेलेबल था, होम अप्लायंसेस भी है जैसे कि इसमें मैंने बताया था, तो मैंने देखा, सर्च किया, तो मैंने मुझे मिल गया, तो मैंने उस पे से वो बाय कर दिया। उसके बाद पेमेंट हुआ। पेमेंट होने के बाद भी मुझे डर लग रहा था कि ये प्रोडक्ट आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ कुछ 500 रुपीज़ पहले आपको भरना होता है, पे करना होता है आपको, उसके बाद ही वो प्रोडक्ट आपसे आपके पास डिलीवर किया जाता है, उसके बाद EMI स्टार्ट होता है। तो वो आप क्या बोले उसमें वो आ गया, तो फिर उसके बाद मुझे भरोसा हुआ इस पे और फिर मैंने बाकी सब चीज़ें स्टार्ट की बाय करना। जब से स्नैपमिट पे शॉपिंग कर रहा हूँ सब अभी तक तो एक्सपीरियंस सभी अच्छा ही रहा है, बहुत ही अच्छा रहा मुझे। मैंने इससे बहुत बार EMI भी करवा चुका हूँ और फिलहाल मेरा चल रहा है, पेंडिंग है EMI 2। मेरा ओप्पो A53 है, उसका लास्ट EMI बचा है। हाँ, चौथा मोबाइल लिया है मैंने स्नैपमिट से। मैं अपने डैड के लिए फ़ोन लिया था इससे। मेरे पास ऑप्शंस थे, मेरे पास एक्चुअली इंडसइंड का क्रेडिट कार्ड है, तो मेरे पास ऑप्शन थे। मैं बहुत टाइम से फ्लिपकार्ट और अमेजोन से बाय सब चीज़ें खरीद रहा हूँ, पर वहाँ एक ये प्रॉब्लम है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड होने के बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको आप खरीद नहीं सकते, आपके पास क्रेडिट कार्ड है फिर भी। तो फिर अब मैंने ये यूज़ करना चालू किया, इस पे से अभी मैं बहुत सारी चीज़ें अभी बाय कर रहा हूँ स्नैपमिट से। स्नैपमिट अगर नहीं होता तो मैं सर्च करता, देखता कोई और ऐप है, जैसे कुछ तो ऐप है वो ना, बहुत ही उसमें डिफिकल्टीज होता है, बहुत ही ऐप का बहुत ही प्रॉब्लम्स है उसमें, उसमें ना इजीली आप एलिजिबल नहीं हो सकते EMI के लिए। स्नैपमिट अच्छा फीचर दे रहा था इसमें, फिर टाइम भी बहुत कम ले रहा था और बिलीव कर सकते थे स्नैपमिट पे, क्योंकि ये बैंक से रिलेटेड, डायरेक्ट बैंक से टाई है इसका। मेरा पेमेंट थोड़ा ये अपना लेट हुआ था, लेकिन जितना है उतना ही लेता है, अच्छा है। सबसे पहला तो इंटरेस्ट, आपका जो इंटरेस्ट होता है, आप क्रेडिट कार्ड पे, अगर आपको पता होगा अपने बाय के हो, क्रेडिट कार्ड पे जो इंटरेस्ट आता है प्रोडक्ट के पीछे बहुत ही ज़्यादा होता है। और दूसरा चीज़ वो हो गया कि आप क्रेडिट कार्ड का ना आजकल फ्रॉड बहुत चल रहा है। मैंने रिकमेंड तो किया हुआ है मेरे सिस्टर्स को, मेरी जो सिस्टर्स है उन्हें और मेरे भाई को भी किया हुआ है। हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर, क्योंकि ये बेनिफिट दे रहा है बहुत सारा, बहुत सारे फीचर्स भी दे रहे हैं और इजीली अवेलेबल होता है सबको। मेरा फ्रेंड था मेरे ऑफिस में, उसको बोला मैं, और उसने भी शायद से फ़ोन लिया उसने। मेन क्या होता है, स्नैपमिट से हम इजीली EMI कर सकते हैं, ठीक है। अगर दूसरा कोई ऐप रहा जैसे अमेजोन रहा, फ्लिपकार्ट रहा, तो उससे हम लोग डायरेक्टली कुछ पूरा अमाउंट पे करके ले सकते हैं, ऐसे ले नहीं सकते। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कुछ खरीद नहीं सकते। सबसे पहला है क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड, जो कि आजकल बहुत डिमांड है। क्या क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड होता है, जो प्राइवेसी होती है, क्योंकि बहुत ही कितना भी एंटीवायरस लगा लो, कोई भी लगा लो, अगर आपने सही से नहीं डाला डिटेल्स और कहीं लीक हो गई फिर ख़त्म हो गई। सेकेंड होता है कि पेमेंट करते समय कई बार पेमेंट करोगे आप क्रेडिट कार्ड से तो आप सारी डिटेल डाल रहे हो, OTP डाल रहे हो और वो कैंसिल हो जाता है। मैंने जैसे कि बताया कि वो एरर,
तो सबसे पहले तो आपका उसी में प्राइवेसी आ गया, और जो क्रेडिट कार्ड के जो जितने भी चीज़ें एरर होता है, पैसे कट जाते हैं, फिर आपको फिर से वो ये होता है आपके लिमिट से पैसे चले गए, आपको बताएगा कि आपने इतना इतना यूज़ कर लिया, फिर आपको पेमेंट तो कैंसिल हो गया होता है। फिर दूसरी चीज़ है कि समय लगता है उसमें, आप सब जगह क्रेडिट कार्ड लेके नहीं घूम सकते, तो इसमें क्रेडिट कार्ड का आपके पास नहीं है तो भी चलेगा, आपके पास आपको आपके पास सिर्फ डिटेल्स होनी चाहिए। और पेमेंट करते समय भी यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि गूगल पे हो गया, तो फोन से इजीली पेमेंट हो जाता है। सबसे अच्छा है ना ये वेबसाइट।